का प्रतिपक्ष बनने पर पहली बार एक दिवसीय भ्रमण पर मोरी व पुरोला पहुंचने पर प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस 2022 का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। कहा, सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह नाकाम है। 2022 का चुनाव हमारे सामने है और कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिन लोगों के हाथों में उत्तराखंड के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन लोगों ने लगातार जनविरोधी निर्णय लेने का काम किया है। आज हालत यह है कि किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से प्रोत्साहित हुई है। भू कानून को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है। सरकार ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, आपके सामने है। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही, पिछले 4 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। तो 2000 किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की मांग पर कहा, दाढ़ी वाले बाबा का कमाल है, ऋण माफी का वादा किया था वह 2000 रुपये दे दिए। कहा, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था वह 2000 रुपये देकर किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं। दाढ़ी वाले बाबा का कमाल है, वो एक हाथ से देता, दोनों हाथ से लूटता है। ऋण माफी का वादा किया था, 2000 रुपये दे दिया। उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी है, उत्तराखंड का किसान अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं कि 2000 की किसान निधि दे करके वोट खरीदे जा सकते हैं, तो गलत फहमी में है। वो ये मुगलता ना पाल के रखे कि लोग उनको वोट देने जा रहे हैं। आपने किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, बताइए कैसे होगा? 2000 रुपये देकर के आय दुगनी हो जाएगी? किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, 3 काले कानून बनाने का। आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के सवाल पर कहा, यह दिल्ली नहीं उत्तराखंड है। बिना ज्ञान के घोषणा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे पास कितनी बिजली अतिरिक्त है। दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, जिस दल का नाम आपने लिया, कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कितना विद्युत उत्पाद जो है हमारा हो रहा है और उसके सापेक्ष कितनी विद्युत आपूर्ति हो रही है। अगर आपके पास एक्सेस बिजली बचेगी तभी तो आप देंगे 300 यूनिट फ्री, और अगर आप पास एक्सेस नहीं है अपनी प्रदेश की आपूर्ति के लिए भी आप बाजार से बिजली खरीद रहे हैं, तो क्या 300 यूनिट पर परिवार को देंगे? क्या बाजार से बिजली खरीदेंगे? मैंने कहा ना कि देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो राजस्व की स्थिति है, GST के लागू होने से उत्तराखंड राज्य को हर वर्ष 2200 करोड़ की क्षति होती है, और केंद्र सरकार ने इस क्षतिपूर्ति के लिए ये कहा था कि 2021 तक केंद्र सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करेगी, लेकिन कोरोना आया तो केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और राज्य सरकार को कहा कि आप GST से जो राजस्व हानि हो रही है इसकी पूर्ति के लिए आप बैंक से ऋण लेने का काम करें। और दिल्ली के अंदर जो है GST से मेरे ख्याल 60,000 करोड़ या 65,000 करोड़ रुपया आता है, तो हवाई वो है। एक पुरोला विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ न होने के सवाल व गर्भवती महिलाओं की आकस्मिक निधन पर उन्होंने कहा कि संज्ञान में यहाँ के लोगों ने ये बात लाई थी, और दो जो है गर्भवती महिलाएं थी उनकी लगातार जो है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने स्वास्थ्य सचिव हैं अमित नेगी, उनसे बात की थी और उनसे मैंने कहा था कि भाई आप तत्काल प्रभाव से पुरोला के अंदर जो है जो हमारी गायनी या लेडी डॉक्टर उसकी नियुक्ति करने का काम किया। उनके स्वयं के भी संज्ञान में ये बात थी कि ये घटना घटित हुई है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम शीघ्र जो है वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती करने का काम करें। धन्यवाद।